गुरु जी थे उनका नाम था मत्स्येंद्र नाथ जी। उनका नियम था कि एक बार जिस नगर में जिस गांव में चले जाते 12 वर्ष तक लौट करके दोबारा उस नगर उस गांव में जाते ही नहीं थे। अब एक दिन मत्स्येंद्र नाथ जी किसी गांव के बाहर से गुजर रहे थे, उस समय भिक्षा का समय हो गया था, तो एक घर के बाहर खड़े होकर के भिक्षा मांगने लगे, कहने लगे आदेश मैया भिक्षा दीजिए। उसी समय एक महिला हाथ में भिक्षा लेकर के बाहर निकली, लेकिन महिला का चेहरा उदास है, वो महिला दुखी है। और संत हृदय नवनीत समाना, संत किसी के दुख को देख नहीं सकते हैं। नवनीत समाना, नवनीत कहते हैं मक्खन को, मक्खन जितना मुलायम होता है ना, संतों का हृदय भी इतना कोमल इतना मुलायम होता है। भिक्षा लेने से पहले पूछा, माँ आप इतने दुखी हो, चेहरे पर उदासी है, क्या बात है, इतना बड़ा घर बार लेकर बैठी हो फिर भी दुखी क्यों हो, पहले ये बताओ फिर भिक्षा देना। कहा भगवान दुख बता भी दिया तो कहां मिटेगा, कहा लेकिन आप बताओ तो सही हुआ क्या, इतना बड़ा घर बार लेकर के बैठी हो फिर भी दुखी क्यों हो। कहा यही तो दुख है महाराज, इतना बड़ा घर बार लेके बैठी हो लेकिन खाने वाली कोई औलाद नहीं है, संतान नहीं है, इस बात का दुख है। उसी समय मत्स्येंद्र नाथ जी के पास जो झोला था, उस झोले में से चुटकी भर राख विभूति निकाली, राख को दे दिया उस महिला को और कहा माई इस राख को लो खा लेना, और इसके खाने से ही आप गर्भवती हो जाओगे, आपके संतान हो जाएगी। इतना कहकर और मेरे भाई बहनों विभूति दे करके भिक्षा लेकर मत्स्येंद्र नाथ जी चले गए। अब दोबारा 12 वर्ष बाद मेरे भाई बहनों वापस उसी गांव के उसी घर के बाहर से मत्स्येंद्र नाथ जी गुजर रहे थे। विचार किया, अरे ये तो वही घर है जहां 12 वर्ष पहले मैं आया था और मैया को विभूति दी थी, जो मैया दुखी थी संतान नहीं थी, चलो एक बार आज फिर इसी घर से भिक्षा मांग लेते, अभी तक तो उन मैया जी के संतान भी हो गई होगी, उन संतान को भी देख लूंगा, और माई तो अभी तक प्रसन्न हो गई होगी तो उसका प्रसन्न चेहरा भी देख लूंगा। फिर मेरे भाई बहनों खड़े होकर के घर के बाहर आवाज लगाई, आदेश मैया भिक्षा दीजिए। वही महिला हाथ में भिक्षा लेकर के पुनः बाहर निकली, लेकिन जो उदासी जो दुख जो पीड़ा 12 वर्ष पहले चेहरे पर था, आज भी वही दुख वही पीड़ा और वही परेशानी चेहरे पर थी। कहा मैया आप अभी तक दुखी हो, आपका दुख नहीं मिटा? कहा नहीं महाराज नहीं मिटा। क्यों मैया आपके संतान नहीं हुई, औलाद नहीं हुई? कहा नहीं महाराज कोई संतान नहीं हुई, कोई औलाद नहीं हुई। क्यों मैया आपने विभूति नहीं खाई, वो राख नहीं खाई? कहा नहीं महाराज नहीं खाई। कहा क्यों नहीं खाई माता जी, अभी तक तो खा लेते तो संतान हो जाती, फिक्र क्यों नहीं खाई? कहा महाराज क्या बताऊं, आप जब आए थे 12 साल पहले तब मैं संकोचवश शर्मवश कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन जब आप पधारे थे उसके भी लगभग 10-12 साल पहले, यानी आज से 17-18 वर्ष पहले मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, मैं विधवा नारी हूं। प्रसाद पे संदेह नहीं था, खाती तो औलाद हो जाती, पर विधवा के संतान होती तो दुनिया मुझे रहने नहीं देती, चरित्रहीन समझ के घर से बाहर निकाल देती, इसलिए मैंने विभूति नहीं खाई। नहीं खाई तो फिर क्या किया उसका? कहा महाराज मैं तो बहुत परेशानी में आ गई, करती क्या, संत का पवित्र प्रसाद विचार किया, इधर उधर कैसे ही मैं फेंक दूं। एक दिन में उस प्रसाद को अपनी साड़ी में ही बांध करके पल्लों में बांध करके कथा सुनने गई थी, वहां कथा में महाराज कह रहे थे कि गोबर इस संसार की सबसे पवित्र वस्तु होती है। मैंने जब घर पे वापस आकर के देखा, मेरी गैया ने गोबर किया था, उसी गोबर में विभूति डाल दी। कहा मैया फिर वो गोबर तो अब तक सूख के छाना बन गया होगा, कंडा उपला। कहा हाँ वो तो बन गया है। कहा अभी अपने पास संभाल के रखा है या फेंक दिया है? कहा नहीं नहीं कैसे फेंक देता, वो तो अभी भी संभाल के रखा है। कहा संभाल के रखा है तो यहाँ लेके आओ। मेरे भाई बहनों वो महिला कंडा लेके वो छाना उपड़ा थेपड़ी लेकर के आई, और उस थेपड़ी को जैसे ही हाथ में रखा मत्स्येंद्र नाथ जी ने और कहा कि आदेश गोरखनाथ उठ आदेश, तो गाय माता के गोबर के कंडे में से 12 वर्ष के गुरु गोरखनाथ जी प्रकट करके सामने खड़े हो गए। मेरे भाई बहनों गाय माता के गोबर ने रखा तो नाम पड़ गया गोरखनाथ, और उन्हीं गोरखनाथ जी ने आके जाकर के नाथ संप्रदाय की भावनाओं को चेतनाओं को भारत के चारों दिशाओं में फैला दिया। तो विचार करना कि जिस गोबर से गोरखनाथ जी प्रकट हो जाएं, बोलो वो गोबर अपवित्र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इस दुनिया की सबसे पवित्र वस्तु अगर कोई है तो गैया का गोबर है। हाथ की लकीरों को बदलने की क्षमता भी अगर किसी में है तो गाय माता का गोबर है।